हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है वो बेसिकली सीयूटी के ऊपर है, जीटी के ऊपर क्वेश्चन है। आज की वीडियो जो है जनरल टेस्ट के ऊपर है। अगर आपको जीटी की प्रिपरेशन करनी है, जीटी में मैं सिर्फ आज की जो वीडियो है वो जनरल नॉलेज के ऊपर है। रीजनिंग की जो वीडियो है वो ऑलरेडी आप चैनल पे विजिट करके चेकआउट कर सकते हो, और पॉलिटिकल साइंस की भी वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, पीवाईक्यू वगैरह देख सकते हो। पीवाईक्यू मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे मैंने बता रखा है, क्योंकि 2023 में जो क्वेश्चन आए थे उसी से मैंने रिलेटेड बता रखा है रेफरेंस के तौर पे, कि 2024 में किस तरीके से आपका पेपर आ सकता है। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर जो है क्वेश्चन बुक, ऑथर, नदी वगैरह से, हेडक्वार्टर से रिलेटेड और आपके जो है रिवर को लेके क्वेश्चन थे। तो यहीं पे मैं बात करने वाला हूँ और भी क्वेश्चन यहाँ पे जनरल नॉलेज से रिलेटेड। यहाँ पे ये जो है पार्ट फोर है। मैंने पार्ट वन और टू और थ्री, ये ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री। तो आप जाके इसे चैनल पे विजिट करके चेकआउट कर सकते हो, पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री। तो जाके चैनल पे चेकआउट कर लो, आपको जीटी के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन मिल जाएंगे जो जनरल टेस्ट में आने हैं। अब मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, ये तीन और ये या चौथा पार्ट है, ठीक है, ये चारों पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हें रट्टा मार लो कैसे भी करके, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे जो है फर्स्ट इन इंडिया। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फर्स्ट चीजें हैं, जो सबसे पहली चीजें आई, ठीक है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहली बोलती फिल्म, जिसे हम कहते हैं टॉक्टी फिल्म। टॉक्टी मतलब आपकी होगी कोई बोलती फिल्म। ये बोलती फिल्म आपकी कौन सी थी? आलम आरा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरी ख्याल से हमने बचपन से रट रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी जो है यहाँ पे इंदिरा थी, ठीक है। और विक्ट्री ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वो है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, वाइस राय, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ये वाइस रॉय, ठीक है। तो वाइस रॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग हो गए। वुमेन मिनिस्टर ऑफ इंडियन यूनियन, ये मैं फर्स्ट की बात रख रहा हूँ। वाइस रॉय भारत में बहुत सारे हुए हैं, लेकिन फर्स्ट वाइस रॉय कौन थे? वो थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो थी इंदिरा थी। वुमेन मिनिस्टर जो थी इंडियन यूनियन में, जो पहली वुमेन बनी थी वो थी राजकुमारी अमृत कौर। और राजकुमारी अमृत कौर जो मेरी ख्याल से, मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है कि हेल्थ से रिलेटेड थी, मतलब इन्हें बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया था 1952 के बाद। आप लोग एक बार चेकआउट कर लेना, मैं एक बार राजकुमारी अमृत कौर के बारे में देख लेता हूँ कि राजकुमारी अमृत कौर का कौन थी। हालांकि मुझे ध्यान नहीं आ रहा, राजकुमारी अमृत कौर एक बार देख लेता हूँ, सर्च कर लेता हूँ, राजकुमारी अमृत कौर, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ हेल्थ। देखो मैंने कहा था ना, हेल्थ मिनिस्टर थी, तो ये हेल्थ मिनिस्टर थी, ये पहली, ठीक है, पहली हेल्थ मिनिस्टर कौन थी? वो राजकुमारी अमृत कौर थी। और ये किसमें? यहाँ पे फर्स्ट वुमेन थी जो इंडियन यूनियन, मतलब फर्स्ट मिनिस्टर थी एज अ वुमेन, ठीक है, क्योंकि वुमेन रिप्रेजेंटेशन हमारा वैसे भी भारत में बहुत कम है इंडियन पार्लियामेंट के अंदर, हमें सबको पता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वुमेन गवर्नर पहली कौन थी? जो पहली गवर्नर बनी, यानी गवर्नर को हम बोलते हैं हिंदी में राज्यपाल। तो पहली राज्यपाल कौन थी? वो थी सरोजिनी नायडू। बहुत फेमस है सरोजिनी नायडू, इन्हें याद रखना, ठीक है। और अगर बात करें तो सबसे पहली जो प्रेसिडेंट बनी वुमेन इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी के अंदर, तो वो थी डॉक्टर एनी बेसेंट। और इनकी किताब मैंने जो है, मोस्ट फेमस किताब जो है मैंने डिस्कस कर रखी है पार्ट थ्री में, आप जाके चेकआउट कर लेना, मोस्ट फेमस किताब है उनकी। ये बुक एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। और पहली जो है भारत में प्राइम मिनिस्टर, वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन बनी? वो इंदिरा गांधी थी, आपको पता होना चाहिए, इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी थी, आपको ध्यान होगा। इंदिरा गांधी जो है बेसिकली 1966 में, आपको पता होगा, जो हमारे जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था क्या? लाल बहादुर शास्त्री। तो शास्त्री जी जो है बेसिकली उनकी डेथ हो गई थी कहाँ पे? ताशकंद में, ठीक है। तो ताशकंद में इनकी डेथ हो गई थी। देन इसके बाद जो है हमारे कुछ दिन तक एक और व्यक्ति बने थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा उनका नाम, ठीक है। फिर इसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर जो है बेसिकली यहाँ पे इंदिरा गांधी बनी। फिर 1984 में इनकी डेथ हो गई, इंदिरा गांधी की डेथ क्या, इन्हें मार दिया गया था इनके अंगरक्षकों द्वारा, ठीक है, जो इनके सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने इन्हें गोली मार दी थी 1984 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो पहली चीफ जस्टिस जो थे वो कौन थे?
पहले चीफ जस्टिस वो हमारे जनरल बिपिन रावत थे, और आपको पता होगा जनरल बिपिन रावत जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले CDS, चीफ जस्टिस, चीफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, ओ सॉरी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, मैंने गलती शायद गलत बोल दिया था, ठीक है, तो गलत जो यहाँ पे है डिफेंस स्टाफ जो है थे यहाँ पे सबसे पहले वो जनरल बिपिन रावत थे, जिनकी अभी डेथ भी हो गई थी, ठीक है, रिसेंटली आपको पता होगा इनका हेलीकॉप्टर जो है दुर्घटना हो गई थी, हेलीकॉप्टर जो था दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, ठीक है, तो इनकी डेथ हो गई थी। बाकी अगर मैं बात करूँ तो पहला जो थी यहाँ पे पहली वुमेन जो थी वो यहाँ पे स्टेट असेंबली के अंदर एज अ स्पीकर थी। स्पीकर का मतलब यहाँ पे था हमारा हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में स्पीकर को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, हिंदी में एक बार मैं चेकआउट करके बता देता हूँ, तो क्योंकि यहाँ पे भाई देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से स्टूडेंट है, तो मेरा ज़रूरी है बताना हिंदी और इंग्लिश वालों को। तो स्पीकर जो था सभापति कह सकते हैं या अध्यक्ष कह सकते हैं, ठीक है, तो पहली जो वुमेन अध्यक्ष थी, अध्यक्ष स्टेट असेंबली की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्टेट असेंबली में यानी राज्यसभा में, ठीक है, तो वो जो थी वो थी यहाँ पे शानो देवी, ठीक है, शन्नो देवी थी, ये ध्यान रखना है, जो पहली वुमेन थी। बाकी अगर मैं बात करूँ आगे यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जो थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंट की बात कर रखी है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, ठीक है, और बाकी यहाँ पे कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया वो थे जनरल लॉयड ब्रूसर, ये आपको रट्टा मार लेना है। फील्ड मार्शल जो पहले थे वो कौन थे, SHFG, ये मैं मुझे तो लग नहीं रहा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपकी मर्जी, अगर याद आपके अंदर दिमाग ज्यादा तो याद रख लो, बाकी तो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन गवर्नर जनरल, इससे रिलेटेड 2023 में क्वेश्चन था, ठीक है, सी राजगोपालचारी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये इन फ्यूचर भी आपके काम आएगा। जैसे हमारे इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे हमारे इंडियन यूनियन में, सी राजगोपालचारी थे, ये याद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था इससे, ठीक है। इंडियन ICS ऑफिसर सबसे पहले कौन थे, वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, ICS ऑफिसर, ठीक है, और यहाँ पे इंडियन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल, ठीक है, तो वो मिहिर सेन थे। इंडियन वो जो फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल वो थे मिस आरती साहा थी, ठीक है, और पहले जो थे यहाँ पे फर्स्ट मैन जो थे जो माउंट एवरेस्ट पे क्लिम्ब थे यानी माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे वो थे तेंजिंग नोरगे, ठीक है, और यहाँ पे मैन टू क्लिम्ब माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन, एक तो देखो ऑक्सीजन से गए थे ऊपर और एक विदाउट ऑक्सीजन, तो यहाँ पे जो था सबसे पहले कौन चढ़े थे यहाँ पे, ये थे आपके, वेट वेट, ठीक है, हाँ ठीक, हाँ, तो यहाँ पे जो पहले वो में जो पहले मैन थे जो मतलब पहले आदमी थे जो माउंट एवरेस्ट पे विदाउट ऑक्सीजन चढ़े थे वो पुहू दोरजी थे, ठीक है, प्रोनंसिएशन आप लोग चेकआउट कर लेना क्या रहेगी इनकी, ठीक है, और माउंट एवरेस्ट पे जो ऑक्सीजन के सहारे चढ़े थे पहले जो पहले व्यक्ति थे वो थे तेंजिंग। अगर ये देखो पहली बात तो आपका MCQ में आता है क्वेश्चन, ठीक है, MCQ में क्वेश्चन आता है, तो अगर ये ऑप्शन मिलता है तो आप सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। बाकी मैं नीचे आता हूँ, जो दो बार चढ़े थे वो थे आपके नुवांग गोम्बू, ठीक है। नोबेल पुरस्कार जो पहले नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला गया, वो रविंद्रनाथ टैगोर मिला गया था। अभी रिसेंटली 5 नोबेल पुरस्कार दिया गया है, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, नोबेल प्राइज है, नोबेल प्राइज जो है वर्ल्ड लेवल पे दिया जाता है, वर्ल्ड वाइड है, ठीक है, नोबेल प्राइज जो है वर्ल्ड वाइड दिया जाता है, ठीक है, मैं यहाँ पे भारत रत्न की बात कर रहा था, सॉरी इज माय मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ पे नोबेल पुरस्कार जो है सबसे पहले किसे दिया गया, रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सबसे पहले INC जो कांग्रेस के सबसे पहले अध्यक्ष थे वो VC बनर्जी थे, ठीक है, और जो प्रेसिडेंट रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट इंडियन रिपब्लिक में वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है, ठीक है, प्रेसिडेंट का मतलब आपका जो है राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति सबसे पहले कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, ठीक। और बाकी अगर मैं बात करूं पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, सबको पता होगा। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, जो जाकिर हुसैन बने थे, ठीक है। और यहाँ पे राष्ट्रपति मतलब अगर हम बात करें पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने, सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति वो जाकिर हुसैन थे, और आपको फिर बाद में आप देखते हो कि आपके और भी आए थे, ठीक है। और लोकसभा के स्पीकर सबसे पहले कौन था, तो वो GV मावलंकर थे, सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष GV मावलंकर, GV
मावलंग करते, ठीक है। और सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई किसने करी थी, पहली वुमेन की बात करी है तो यहाँ पे, तो यहाँ पे बछेंद्री पाल थी, बछेंद्री पाल थी। मैं यहाँ वुमेन की बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे मैन की बात करें तो वो थे तेंजिंग नोरगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करूँ तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में वुमेन जज कौन बनी थी, तो वो मीरा साहिब फातिमा फातिमा देव बीवी बनी थी, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे वुमेन जज जो सुप्रीम कोर्ट में बनी थी, पहली वुमेन जज, ठीक है। और फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट की बात करिए, यहाँ पे एचसीआई हाई कोर्ट की, और यहाँ ऊपर बात करी थी सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। तो वो थी यहाँ पे लीला सिंह थी, ठीक है, लीला सिंह थी, ये ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूँ फर्स्ट इंडियन फाइट वेट लिफ्टर टू विन, तो वो यहाँ पे कौन थी जिन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला था ओलंपिक में, ठीक है। तो वो थी कारनाम मलेश्वरी, और इन्हें मिला था 2000 में, ठीक है, सिडनी में मिला था, ये ध्यान रखना, सिडनी, ठीक है। और बाकी अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पे है वर्ल्ड चेस चैम्पियन जो है, यहाँ पे कौन था पहला, तो वो था यहाँ पे क्या है, विश्वनाथ आनंद थे, ठीक है। और यहाँ पे पहला जो है इंडिया का कौन था वुमेन जो मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनी थी, वो थी सोनाली बनर्जी थी, जो पहली मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनी थी, ठीक है। और पहली एयर वाइस मार्शल जो बनी थी वो ये है, आप लोग इस तरीके से याद रख लेना, मैं एक एक चीज़ें इतनी सारी कैसे बताऊंगा, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले सिख प्राइम मिनिस्टर कौन बने, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, आपको पता होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है 2004 से लेके 2014 तक एज अ प्राइम मिनिस्टर इन्होंने वर्क करा है, ठीक है। 10 यहाँ पे 10 साल ये रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, 2 बार इलेक्ट हुए हैं, 2 बार इनकी गवर्नमेंट आई है, और इनकी जो गवर्नमेंट थी वो यूपीए गवर्नमेंट थी, ठीक है, यूपीए गवर्नमेंट के तहत ये बने थे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये सिख प्राइम मिनिस्टर थे, सभी को पता होगा, इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। रिवोल्यूशन जो है, ठीक है, यानी इन्हें हम बोलते हैं क्रांति। अभी क्रांति जो है मैं उस तरीके की क्रांति नहीं बोल रहा कि आप लोग, एक होती है दो तरीके की क्रांति होती है, देश वाली जो क्रांति, क्रांति का मतलब क्या, कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है, कुछ चेंज हो रहा है, इसी वजह से क्रांति आ रही है। तो क्रांति हर फील्ड में आती है। अब क्रांति जो है, यहाँ पे मैं किस क्रांति की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रिवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। कौन से रिवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, उन रिवोल्यूशन की जो कुछ चेंज लेकर आया, किस फील्ड में, एग्रीकल्चर की फील्ड में, एग्रीकल्चर की फील्ड में, ठीक है, या अदर फील्ड में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड है, ठीक है। अब जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे रट्टा मार लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है एग्रीकल्चर के फील्ड में आई थी, आपको पता होगा 1966 से ऊपर थी, या 1966 जो भी है, इसका एग्जैक्ट टाइम पीरियड देख लेना, ठीक है। और ये एम एस स्वामीनाथन जो थे, इसके यहाँ पे वो माने जाते हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा, ये वैज्ञानिक है, कृषि वैज्ञानिक भी रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। और अभी रिसेंटली इनसे करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बन सकता है, करंट अफेयर का इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, एम एस स्वामीनाथन से रिलेटेड, एम एस स्वामी स्वामीनाथन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसा बनेगा मैं बताऊं, इन्हें क्या मिला है, इन्हें मिला है भारत भारत रत्न, इन्हें पुरस्कार मिला है अभी रिसेंटली एम एस स्वामीनाथन को। तो ये एक रिसेंटली क्वेश्चन आपको याद रख लेना है, ठीक है, आप लोग समझ में आ गया। पिंक रिवॉल्यूशन जो है बेसिकली किससे रिलेटेड है, ये ओनियन की फील्ड से, ये 2024 में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, या तो वो डायरेक्ट पूछ लेगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है, निम्नलिखित में से ऑप्शन बताएं। अब 4 ऑप्शन दे दिए, पहला बोल दिया कि एग्रीकल्चर, दूसरा बोल दिया कि उसने बोल दिया कि ओनियन की फील्ड से जुड़ा हुआ है, अब उसने तीसरा बोल दिया कि यहाँ पे ऑयल से रिलेटेड है, चौथा बोल दिया उसने कि क्या नाम है, यहाँ पे कॉटन से रिलेटेड है। तो आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है, एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बताना है कि कौन से फील्ड से कौन से क्रांति जुड़ी हुई है, इस तरीके से याद रखना है। बाकी आपको इसमें एक और ध्यान रखना है, एमसीक्यू जो है मैचिंग क्वेश्चन में आ सकता है, मैचिंग क्वेश्चन में जैसे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ है, सेकेंड ऑप्शन यहाँ है, फर्स्ट फर्स्ट, इस तरीके से आपसे कोई ऑप्शन पूछ लेगा कि किससे रिलेटेड, और मैच करो, मिलान करो। अब पिंक रिवॉल्यूशन जो जुड़ा हुआ है वो ऑनियन के फील्ड से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो दुर्गेश पटेल है, ये ध्यान रखना, दुर्गेश पटेल ये इनसे संबंधित है, ठीक है। और एवरी ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ग्रोथ, आपको पता है एवरी ग्रीन कह लो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन कह लो, बात एक ही है, एग्रीकल्चर से संबंधित है, एम एस स्वामीनाथन है। और ये ध्यान रखना, अगर ये पूछा जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन में किन किन को ज्यादा बढ़ावा मिला, तो वो थी गेहूं, गेहूं और चावल, कौन सी दो चीजें थी जिनमें सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ, वो गेहूं चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन देखा गया था। बाकी नीचे आऊं तो राउंड रेवोल्यूशन की बात करिए, तो ये पोटेटो से संबंधित है, यानी एक टमाटर से संबंधित है। ओनियन से संबंधित कौन सी है, वो है पिंक, याद रखना, ठीक है।
अब ये ध्यान रखना, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, कॉटन से संबंधित है, ठीक है। येल्लो जो है इंपॉर्टेंट है, ये भी ऑयल सीड प्रोडक्शन से संबंधित है। इससे रिलेटेड जो है सीयूटी में तो नहीं आया था क्वेश्चन, लेकिन ये जस्ट एक नॉर्मल जीटी जो पेपर होते हैं, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो उसमें ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और बाकी इसके जो रिलेटेड थे, ज़रूरी नहीं है इनसे रिलेटेड ये, लेकिन ये जो ऊपर के एमएस स्वामी स्वामीनाथन और दुर्गेश पाटल पटेल, ये दो इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें याद रख लेना, ठीक है। प्रोटीन रिवोल्यूशन जो था वो एग्रीकल्चर से संबंधित था, हाइगर प्रोडक्शन में करना था, और ज़्यादा प्रोडक्शन करना। और ये जो कॉइन जो टर्म दी थी ये नरेंद्र मोदी ने दी थी, ये ध्यान रखना। प्रोटीन रिवोल्यूशन हम जिसे कहते हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना, ठीक है। ब्लैक रिवोल्यूशन आपको पता है, पेट्रोलियम और ब्लैक, हम ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम को बोलते हैं, तो ये तो आपको पता ही है, ठीक है। गोल्डन रेवोल्यूशन जो है हॉरिकल्चर से जुड़ी हुई थी और हनी से जुड़ी हुई है, यहाँ पे मैंने एसोसिएटेड भी बता रखा है कि कौन है यहाँ पे, ठीक है। और ब्राउन रेवोल्यूशन की बात करें तो लेदर से संबंधित है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अगर याद कर सकते हो तो याद कर सकते हो। और ग्रे रिवोल्यूशन जो है फर्टिलाइजर से संबंधित है, ठीक है। ब्लू रिवोल्यूशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिश से संबंधित है, नाम यहाँ पे मैंने साइड में दे रखा है, ठीक है। सिल्वर रिवोल्यूशन एग से संबंधित है, इंदिरा गांधी यहाँ पे कॉइन करा था, ठीक है। और नरेंद्र मोदी जो थे एग्रीकल्चर से, यहाँ पे हाइयर प्रोडक्शन करना था एग्रीकल्चर का, ठीक है। व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाइट रिवॉल्यूशन जिसे हम दूध क्रांति या सफेद क्रांति बोल देते हैं, ठीक है। दूध क्रांति या हम इसे बोल देते हैं सफेद क्रांति, ठीक है। तो सफेद क्रांति किससे संबंधित है, डेयरी फार्मिंग से, दूध से संबंधित है, ठीक है। वर्गीज कुरियन इसके जो है इनसे रिलेटेड है, आपको पता होगा, आपने इसे पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रखा होगा, ठीक है। अगर बात करूँ रेड रिवॉल्यूशन की, तो ये मीट और टमाटो से संबंधित है। अब मैंने ऊपर भी बात करी कि यहाँ पे जो राउंड रेवोल्यूशन से संबंधित टमेटो है, और रेड रेवोल्यूशन से संबंधित भी टमेटो है, ठीक है। और यहाँ पे गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन से संबंधित है जूट, जूट का प्रोडक्शन, ठीक है। ग्रीन रिवोल्यूशन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, एमएस स्वामीनाथन से वो है संबंधित है। और इन्हें ये ध्यान रखना, इन्हें जो है अभी रिसेंटली भारत रत्न मिला है, ठीक है। रिसेंटली इन्हें अभी भारत रत्न पुरस्कार मिला है, तो ये करंट का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का, ये याद रख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि एरिया के हिसाब से दुनिया में सबसे बड़ी बड़ी कंट्री कौन सी है, एरिया के आधार पे मैं बात कर रहा हूँ, पॉपुलेशन के आधार पे तो अलग ही, पॉपुलेशन के आधार पे सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है वो है, अब आज के टाइम पे इंडिया है, ठीक है। दूसरे नंबर पे चाइना है, पहले नंबर पे इंडिया है, दूसरे नंबर पे चाइना है, ठीक है। लेकिन मैं एरिया के हिसाब से बात करूँ, एरिया को हम बोलते हैं हिंदी में क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी कंट्री जो है रशिया है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद यूएसए है, उसके बाद ब्राजील है, उसके बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद इंडिया है। इंडिया जो है 7 नंबर पर आता है, आप लोग यहाँ पे देखो, 1 2, ये मैंने लाइनदारी से दे रखा है, आगे पीछे नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 8 नंबर पर आता है अर्जेंटीना, फिर यहाँ पे 9 नंबर पर आता है कजाकिस्तान, और अल्जीरिया जो है 10वें नंबर पर आता है, ठीक है। अगर हम देखें पहले नंबर पर रशिया, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर चाइना, चौथे नंबर पे यूएसए, 5वें नंबर पे यहाँ पे ब्राज़ील, और 6ठे नंबर पे यहाँ पे ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया भी एक कंट्री है, ध्यान रखना, ऑस्ट्रिया जो है अलग है और ऑस्ट्रेलिया अलग है। ऑस्ट्रिया जो है बेसिकली आपका यूरोप में पड़ता है, ठीक है, एक ऑस्ट्रिया कंट्री का नाम है, ठीक है। दोनों कंट्री अलग अलग है, ये ध्यान रखना, कन्फ्यूज मत होना। बाकी अगर बात करें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी बाउंड्री है, अब ये बाउंड्री से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप लोग पढ़ लेना, अगर बाउंड्री से रिलेटेड क्वेश्चन आता 2024 में, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दो यहाँ पे तीन है, तीन चार हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे क्या कहाँ गया, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जैसे यहाँ पे सिगफ्रीड लाइन जो है बेसिकली जर्मनी और फ्रांस, इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इसे याद करना चाहो तो कर सकते हो, वरना कोई वो नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है। 24 पैरेलल जो है यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान को बोलते हैं, 17 पैरेलल जो है बेसिकली हमारा यहाँ पे जो बाउंड्री थी वो नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम का बंटवारा हुआ था, तो ये जो है 17 पैरेलल पे हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे 38 पैरेलल पे हम बोलते हैं यहाँ पे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है, 49 पे है यूएसए एंड कनाडा, तो ये याद रखना, ये ज़रूरी है, 38, 49 और 24, ये याद रख लेना, ठीक है, और 70, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो है धुरंधर रेखा, आपको पता होगा धुरंधर लाइन जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, और यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ है। मैकमोहन लाइन जो है इंडिया चाइना के बीच में,
पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में ड्यूरंड लाइन है, ये तीन आपको लगातार याद होने चाहिए इस तरीके से। और हिंडनबर्ग लाइन जो है बेसिकली जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, और मैगिनोट लाइन जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, और यहाँ पे ऑर्डर निसे लाइन जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। ठीक है, बस यहाँ पे यही है मेरे ख्याल से, और कुछ नहीं है। हो गया आपका पूरा जी की जो थी GT में जनरल नॉलेज में, यहाँ पे 4 पार्ट की वीडियो आ चुकी है, चारों पार्ट की वीडियो में मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली जो लास्ट ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन थे। एक रेफरेंस के तौर पे मैंने आगे आपको बताया किस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आप जाके चैनल पे बाकी 3 पार्ट चेकआउट कर सकते हो अगर आपने नहीं देखे। बाकी यहाँ पे मैंने इतनी GK बता दी, इससे तो रिलेटेड क्वेश्चन आने आने इनसे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, और रेफरेंस के तौर पे मैंने सारी चीज़ें उठाई है। करंट के भी कुछ क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको किस तरीके से क्या क्वेश्चन है। ठीक है, और बाकी आप लोग अगर बुक परचेस करना चाहते हो तो परचेस कर सकते हो, CUT UG पॉलिटिकल साइंस की, प्राइस 139 है। ठीक है, मॉक टेस्ट अवेलेबल है, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट है, चैप्टर वाइज समरी है। ठीक है, और लेटेस्ट NTA का जो सिलेबस है उसके बेस पर है। ठीक है, तो आप खरीद सकते हो, या तो KDP से खरीद सकते हो, अमेजोन किंडल से, या PDF के तौर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो आपको PDF भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप जिस सुटेबल जो भी लगता है आपको, जिसमें कंफर्ट हो, आप उस तरीके से परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी सभी चीज़ों का लिंक व्हाट्सएप चैनल, बाकी आप लोग ज्वाइन कर लो अपना व्हाट्सएप चैनल CUT UG का फॉर लेटेस्ट अपडेट। ठीक है, बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी है तो आप इंस्टा पे और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। सभी चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।